आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कनन गोपीनाथन की। कौन है कनन गोपीनाथन? इन्होंने आर्टिकल 370, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और दो हफ्ते बाद कनन गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। आईएएस ऑफिसर है और एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर है, जबरदस्त आईएएस ऑफिसर, सोशलिस्ट आईएएस ऑफिसर है। वैसे तो किसी भी आईएएस ऑफिसर के साथ कोई टैग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के लिए सोचते हैं। इन्होंने आईएएस इसीलिए ही लिया था, ये इसीलिए आईएएस बने थे ताकि समाज के लिए कुछ कुछ कर सके। तो आज हम इनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। अब तो आईएएस नहीं रहे ये, ठीक है। मैं इनका लेक्चर क्यों लेके आ रहा हूं? वैसे तो मुझे इनका लेक्चर अगस्त में ही लेके आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लेके आ पाया। अभी मैं लेके आ रहा हूं क्योंकि इन्होंने जब इस्तीफा दिया था वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। इनको लग रहा था जल्दी प्रोसेस हो जाएगा तो शायद मैं सर्विस से जल्दी रिलीव हो जाऊंगा, लेकिन इस्तीफा तो प्रोसेस नहीं हुआ, रेजिग्नेशन तो प्रोसेस नहीं किया गया। इनके ऊपर चार्जशीट बना दी गई है, होम मिनिस्ट्री ने इनको एक पूरा चिट्ठा भेज दिया है, चार्जेस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि ये तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुमने अपनी नौकरी सही से नहीं की। अब ये दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि जब आप आईएएस बनते हैं ग्रेडिंग सिस्टम होता है, 10 में से इनको 9.95 मिले थे, मतलब ये तो बेहतरीन आईएएस ऑफिसर है। इनसे अच्छा तो आईएएस ऑफिसर मतलब होता है ना कि जो टॉप क्लास के आईएएस ऑफिसर उसमें आते हैं कनन गोपीनाथन, और उसके बाद इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो क्यों लगाए जा रहे हैं आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं। कनन गोपीनाथन की हम बात करने वाले हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं दोस्तों। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, ट्विटर पे नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इनको फॉलो काफी करता हूं और जो भी ये बोलते हैं इनके सारे लगभग लगभग इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जिसमें फीचर हुए हैं। समझने की कोशिश की है मैंने इनको बहुत ज्यादा, और जितने भी इनके ऊपर आर्टिकल्स है सब पढ़ा है, लेकिन कोई किताब नहीं है इनके ऊपर। तो डेटा जितना हो सका मैं लेके आया, अब उसमें से बेस्ट चीजें मैं लेके आ रहा हूं, आपको बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो उसमें आप, मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि थोड़ा सा संयम बरतिएगा, ठीक है। एक चीज और, लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में कोई गाली किसी को नहीं देगा, ठीक है। आप अच्छे से अपने विचार व्यक्त करिए, जो आपका व्यू है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, लेकिन गाली मत दीजिएगा। मेरा अनुरोध है अपनी सद्बुद्धि का प्रमाण दीजिएगा, इंटेलेक्चुअल है आप, वो जरा शो करिएगा, पेशेंस शो करिएगा, धैर्य शो करिएगा। याद रखिए अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं उतनी ही गाली अगर आपको पड़े तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम से चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। 33 साल के करण गोपीनाथन, 1985 में इनका जन्म होता है, 1985 में इनका जन्म हुआ, केरल के कोट्टायम से हैं ये, ठीक है। तो केरल से है ये, केरल में इनका जन्म हुआ, कोट्टायम इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की, बीटेक किया हुआ है दोस्तों, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और ये मेसरा से, BIT मेसरा, जितना नेट पे अवेलेबल था वो मैंने देखा। अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते, अपनी लाइफ के बारे में इन्होंने ज्यादा बताया नहीं, जितना बताया मैं आपको बता रहा हूं। तो BIT बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा लिखा था, ठीक है, BIT मिश्रा, झारखंड से इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की, ठीक है। उसके बाद ये चीज तो इन्होंने बताई है, ऑन ईयर एडमिट की है कि मैं नोएडा में जॉब करता था, तो नोएडा आ गए ये, 2007 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद नोएडा आ गए, नोएडा में ये जॉब करने लगे। अब नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वहां पे सेमी कंडक्टर इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो वहां पे ये जॉब करते थे। सामने स्लम एरिया था, झुग्गी झोपड़ी थी, गरीब बच्चे थे, देखा नहीं गया कनन गोपीनाथन को, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक और बगल में एक सरकारी स्कूल था, ठीक है, वहां पे बच्चों को बार बार ले जाते थे कि आप पढ़ाइए इनको, लेकिन वो सरकारी स्कूल इन बच्चों को लेते नहीं, ये बार बार ले जाए, और ये ऑन एयर बोला है, ठीक है, इन्होंने बार बार सरकारी स्कूल में ले जाए, वो बार बार भेज दे। तो कनन गोपीनाथन ने बोला कोई बात नहीं, हम खुद इनको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मतलब पढ़ाना शुरू किया, और एक एनजीओ भी ज्वाइन की, वहीं पर इनकी मुलाकात इनकी पत्नी से हुई, ठीक है, मतलब जो फ्यूचर में इनकी पत्नी होने वाली थी। तब इनको ये रियलाइज हुआ कि ये कंडीशन तो पूरे भारत में होगी, है ना, बहुत सारी गरीबी है। देखिए दिल्ली जब आप जाते हैं, दिल्ली के आपको दो चेहरे दिखते हैं, एक तो बड़ी लैविश लाइफस्टाइल, आप साउथ दिल्ली चले जाइए, ठीक है, और बहुत ही मतलब एक चकाचौंध वाली जिंदगी, लेकिन जब आप मेट्रो से जाते हैं आप देखते होंगे पूरा स्लम एरिया चलता रहता है, ठीक है ना, पूरा स्लम एरिया, और काफी जो एरिया है दिल्ली का वो स्लम एरिया है, तो काफी गरीबी भी है। तो एक तरफ तो चकाचौंध और दूसरी तरफ स्लम एरिया, बिल्कुल अंधेरा, और वहां से अपराध पनपता है, कितने क्राइम होते हैं वहां से, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कनन गोपीनाथन को ये लगा कि ये तो पूरे देश में होगी,
तो अब ऐसा मैं क्या करूं कि पूरे देश को ठीक कर दूं, तो उनको लगा कि मैं यूपीएससी निकालूंगा। समाज के लिए अगर आपको कुछ करना है तो बेस्ट जरिया क्या है, या तो आप पॉलिटिशियन बन जाइए, एक्टिविस्ट बन जाइए, नहीं तो यूपीएससी आप क्रैक कर लीजिए। ठीक है, यूपीएससी क्रैक करेंगे तो आपके पास पावर भी आ जाएगी। ठीक है, तो यूपीएससी की इन्होंने तैयारी जॉब को साइड में रखा, 2010 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी निकाल लिया। अब आईएएस है तो टॉप 100 में रैंक आई इनकी 2012 में, पूरा एक साल का प्रोसेस होता है आपको पता ही है, 2010 में तैयारी शुरू की, 2011 में एग्जाम दिया, 2012 में रिजल्ट आया, 2012 में इनको कैडर मिला, असिस्टेंट कलेक्टर बने ये दिल्ली के। अब आपको बता दूं दोस्तों, कलेक्टर और जो मजिस्ट्रेट है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर और एसडीएम, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो पोस्ट एक ही होती है लेकिन कैडर वो अलग अलग जगह बोला जाता है। जैसे मान लीजिए साउथ में कलेक्टर बोला जाता है, वहां डीएम नहीं चलता, ठीक है, नॉर्थ के एरिया में डीएम बोला जाता है, तो कैडर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कौन से स्टेट में क्या, लेकिन पोस्ट सेम रहती है, कलेक्टर और डीएम की पोस्ट सेम रहती है, ठीक है, बस नाम का वो फर्क होता है। ठीक है, तो यहां पे दिल्ली में असिस्टेंट कलेक्टर बने, 2013-2014 तक रहे एक साल, उसके बाद मिजोरम चले गए, वहां पे डेप्यूटी कलेक्टर बने। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि मिजोरम में 2016 में ही इनको डीएम बना दिया गया वहां का, फिर इनको वहां से ट्रांसफर करके कलेक्टर दादरा एंड नागर हवेली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पे ये कलेक्टर थे। तो ये इनका करियर रहा है, लेकिन इनका करियर शानदार रहा है, बहुत ही बेहतरीन इनका करियर रहा है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि 10 में से जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इनको 9.95 मिले, तो आप समझ ही सकते होंगे कितने बेहतरीन ये आईएएस ऑफिसर रहे। आईएएस ऑफिसर दोस्तों, करण गोपीनाथन एक चीज बताते हैं कि यहां पे डिफरेंस होता है पर्सनल कंडक्ट और प्रोफेशनल कंडक्ट में। आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है, आज आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। बहुत लोगों को यह लगता होगा कि जब हम आईएएस बन जाएंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप याद रखिएगा कि प्रोफेशनल कंडक्ट होता है एक, वो आईएएस ऑफिसर को करना होता है। आप अपने पर्सनल डिसीजन, पर्सनल कंडक्ट को आगे नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज आई, चीज मतलब कोई मसला आया, आपको उसको सुलझाना है, या कोई फरियादी आया, आपको उसकी मदद करनी है, कोई स्कीम आई, आपको उसके उसको इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें अपनी राय नहीं देंगे, आपकी राय चलेगी ही नहीं, आप उसमें अपनी चेतना, अपना कॉन्साइंस नहीं लगाने वाले। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, सबसे ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या भारत के संविधान में वो बात लिखी है जिसको मुझे सॉल्व करना है? अगर उसमें वो बात नहीं लिखी है तो दूसरे पे आता है, क्या इसके लिए कोई एक्ट या लॉ बना है? नहीं बना है। तो तीसरे पे आईएएस ऑफिसर्स ये देखते हैं, या जो भी जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ने कोई डिसीजन इस पे दिया है। ये भी नहीं है तो क्या इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? और लास्ट में आपका पर्सनल कंडक्ट आता। अगर इस इन चारों में भी आपको समाधान नहीं मिले, तब जाके आप अपना कॉन्साइंस, जो कहते हैं ना, अंतरात्मा का यूज कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं, तब जाके इतनी छूट होती है। और ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अक्सर इन चारों में सवाल का जवाब मिल ही जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है, ये हायरार्की है। करण गोपीनाथन के जो, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने, जब आप सर्विस में रहते तो आप सरकार के खिलाफ बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते, ये सीधा कोड ऑफ एथिक्स में लिखा रहता है। ठीक है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें सीधा सीधा यही लिखा रहता है कि जो भी सरकार आपको जो बोले, जो वो स्कीम बनाए, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, और बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, वो पूरी जिम्मेदारी आपको है। जो पॉलिटिशियंस है वो स्कीम बना देंगे, लॉ बना देंगे, और इंप्लीमेंटेशन आप पे आएगा, ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो सारी स्कीम जो जिम्मेदारी पूरी ब्यूरोक्रेट्स की होती है। तो जब तक सर्विस में थे तब तक करण गोपीनाथन कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि इनसे बहुत सवाल पूछा गया, इनसे काफी पूछा ये गया कि आपने अभी तक क्यों नहीं बोला, आप अभी ही क्यों रिजाइन कर रहे हैं? तो वो तो यूजलेस सवाल है ना। अब ये तो वही सवाल है कि भूकंप आ गया तो अभी क्यों आया, 4 साल पहले भैया आ गया तो आ गया, उसमें कोई क्या कर सकता है? जब इंसान को लगता है कि बहुत हो रहा है तो छोड़ देता है, सीधी बात है। तो करण गोपीनाथन जो है, जब तक सर्विस में थे तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक रिबेलियस टाइप के थे ये, सवाल उठाते रहते थे। बिल्कुल, इन्होंने ईवीएम पे भी सवाल उठाए थे, है ना, इन्होंने वीवीपैट पे भी सवाल उठाए थे, इलेक्शन कमीशन से इन्होंने सवाल मतलब पूछा था। साथ ही साथ 2019 में, क्योंकि ये रिटर्निंग ऑफिसर भी रहे हैं, इलेक्शंस में रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं, 2 बार रहे हैं। अब आपको पता ही, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, प्रॉपर कंडक्ट हो तो उसका इंचार्ज आईएएस ही होता है। तो यहां पे रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं। तो होता क्या है कि इन्होंने जब लोकसभा 2019 के इलेक्शन हुए तो इन्होंने बाकायदा कंप्लेन की कमीशन से
कि कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो है वो इलेक्शन को प्रॉब्लम कर रहे हैं, कंप्लेन की, लेकिन बदले में इनका ट्रांसफर क्या है, इनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया, ठीक है ना, इनको कलेक्टर से इनको पावर डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो ये पावर डिपार्टमेंट दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली में ये पावर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद 21 अगस्त को इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया। अब यहां पे हम बात करते हैं कि कनन गोपीनाथन ने अपना रेजिग्नेशन क्यों दिया, ठीक है। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया गया, ठीक है। अब उसके दो हफ्ते बाद 21 अगस्त को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत हल्ला हो गया कि ऐसा क्या हो गया। कनन गोपीनाथन ने एक बात बोली, उन्होंने ये बोला कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में फर्क होता है। मैंने भी अपने लेक्चर में कई बार बताया, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, नेशनलिज्म क्या, आप अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुनने वाले, जितनी भी खामियां हैं खराबियां हैं सब रखो, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। पेट्रियोटिज्म क्या, आप सवाल करेंगे, आप अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपके देश में खामियां हैं आप उस खामियों को निकाल के उसको सही करेंगे, तो बी अ पेट्रियोट। यही बोला कनन गोपीनाथन ने और यही हमेशा से बोलते आए हैं वो, कि सवाल करना मत छोड़ो। अब 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले तो मुझे तो बहुत ये बेहतरीन डिसीजन लगा। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत बेहतरीन डिसीजन था, ये भारत के गले की फांस था, ठीक है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कैसे छीन सकते हैं, यही कनन गोपीनाथन ने बोला। सरकार का डिसीजन है, हम उसको ऑनर करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगले ही दिन आपने पूरे स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया, आपने लीडर्स को जेल में बंद कर दिया, वो कोई बोल नहीं सकता, तो ये क्यों करा आपने, ये नहीं होना चाहिए था। पार्शियल टेकडाउन ठीक था, लेकिन हर किसी को बंद करना, आईएएस तक को बंद कर दिया उठा के, वो अपनी वाइफ से नहीं मिल पाया, सारी दुकानें बंद हो गई, ये क्यों कर रहे हैं। तो कनन गोपीनाथन एक एग्जाम्पल बताते हैं कि ये तो वही बात हो गई कि आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में बच्चे को इंजेक्शन दिया, अब आप उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि वो रोए भी ना, हॉस्पिटल जो उसकी चीखे हैं दर्द होता है इंजेक्शन लगाने में वो भी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा इस चीज पे ही दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम इसी पे ही बात करेंगे और कनन गोपीनाथन इसको विस्तार से बताते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। 370 को एब्रोगेट करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको कश्मीर को अपना समझना होगा, ठीक है, कश्मीर को अपना समझना होगा, वरना काहे का इंटीग्रेशन। ये कनन गोपीनाथन, मैं उन्हीं को ही कोट कर रहा हूं, ठीक है, कि कैसा इंटीग्रेशन, अगर आपको एक स्टेट में प्रॉब्लम हुई तो दूसरे स्टेट को दर्द होना चाहिए, आपकी एक बॉडी में दर्द हुआ, चोट लगी, तो दूसरी उसका जो पूरा इफेक्ट है वो पूरी बॉडी पे होगा, पूरी बॉडी पे होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत के लोगों को लग रहा है कि अरे मर रहे तो मरे या बंद है तो बंद हो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ तो वैसी चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है तो एमपी में, यूपी में, तमिलनाडु में, हर जगह सवाल उठने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आप सच्चे देशभक्त हो। जो इंसान सवालों से भागता है, जो डर गया, यहां पे भी बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताते हैं कि व्हाट्सएप पे आपका फैमिली ग्रुप है, वहां पे 3-4 लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आपने सोचा कि नहीं मुझे ये गलत बोल रहा है और मैं थोड़ा इसमें अनकंफर्टेबल हूं, मैं इस ग्रुप को छोड़ देता हूं, तो वो तो बहुत गलत हो गया ना। अरे आप उनको बोलो बहुत अच्छे से, प्यार से बोलो कि आप गलत हो, यहां पे सवाल पूछो आप कैसे बोल रहे हो, और सवाल तो अच्छे अच्छे को पिघला देता है। तो ये अगर आप चीज नहीं कर रहे हो, सवाल पूछना आपने बंद कर दिया है और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, तो ये बहुत गलत है, ये देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसी चीज पे ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी जो छीनी है, जो कश्मीर में हुआ है, फिर हमें और दूसरे देशों में फर्क ही क्या रहा, वो बहुत गलत है। ये इस चीज पे रिजाइन किया कनन गोपीनाथन, और वो हर इंटरव्यू में ये चीज बोलते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये बिल्कुल गलत कर दिया। यहां पे एक किस्सा बताते हैं कि जब वो इन्होंने रिजिग्नेशन दिया तो बहुत गालियां पड़ी, ठीक है, कनन गोपीनाथन को एक तबके ने गालियां दी। अब देखिए कितना बहुत ही मैच्योरिटी से कनन गोपीनाथन इस चीज को भी बताते हैं कि मुझे एक ट्विटर पे एक इंसान बड़ी गालियां दे रहा था, बहुत भर भर के बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप गालियां क्यों दे रहे हो इतनी, तो उन्होंने बोला कि आपने देश के लिए ऐसा बोला है। तो कनन गोपीनाथन ने बोला कि आपके लिए देश इंपॉर्टेंट है कि पार्टी इंपॉर्टेंट है, तो उस इंसान ने बोला कि देश इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कनन गोपीनाथन ने वापस पूछा
कि अगर देश इंपॉर्टेंट है तो मैंने किसके लिए बोला है? मैंने देश के लिए बोला कि मैंने किसी पार्टी के लिए बोला? मैंने पार्टी के लिए बोला है, देश के लिए। देश में जो चीज हो रही है, देश बहुत बड़ा है, देश में पार्टी आ रही है, पार्टी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, देश बहुत बड़ा है। लेकिन जिस पार्टी ने, एक पार्टी ने इसको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, बिल्कुल उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर कोई अपनी बात बोल सकता है, तो अल्टीमेटली वो इंसान माना। और यहां पे कन्नन गोपीनाथन बोलते हैं, जो गाली भी दे रहा है उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती बिल्कुल नहीं है। क्यों गलती नहीं है? कि वो अपने अपने हिसाब से भारत को बनाना चाहता है, वो भी भारत का अच्छा चाहता है, वो भारत का बुरा नहीं चाहता है, वो भी भारत का अच्छा चाहता है। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हम सवाल पूछें, हम साथ में आए, और साथ में आके डिबेट का, एक बहस का क्या एम होता है? डिबेट का एम यह होता है कि हमें कंस्ट्रक्टिव एक ऐसा रास्ता निकाले जो, जिसपे सब सहमत हो, ऐसा रास्ता नहीं जिसपे सब उलझ जाए। और आजकल डिबेट बिल्कुल यूजलेस होती है, ठीक है ना। कैरेक्टर असैसिनेशन पे भी बहुत बोला है यहाँ पे कन्नन गोपीनाथन ने, वो काफी बार बोलते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर को असैसिनेट करने की, एक इंसान के पूरे कैरेक्टर को, जैसे कन्नन गोपीनाथन को पाकिस्तान का एजेंट बोल दिया गया, उधर पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान भी इसी सारी चीजों का वेट करता है। उधर पाकिस्तान से ये स्टेटमेंट आया कि भारत के सारे सिविल सर्वेंट्स को इस्तीफा देना, दे देना चाहिए। कन्नन गोपीनाथन ने इसका बिल्कुल कंडेम किया, गोपीनाथन पे उस चीज पे भी पाकिस्तान को लताड़ा कि मैं भारतीय हूं सबसे पहले, और मैं इंडियन हूं, मैं देशभक्त हूं, इसीलिए सारी बातें बोल रहा हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको होनी चाहिए। कल को यहां हो रहा है, कल को कश्मीर, कल को हर जगह हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर गलत है ये। तो वही कहने का मतलब है कि डिबेट हो, बातचीत हो, और एक अच्छा रास्ता निकाला जाए तो सबसे बेस्ट होगा। ये कन्नन गोपीनाथन का मेन कहना था। और एक चीज और बता दूं कि जो लोग को लग रहा होगा बीजेपी बीजेपी के लिए, इन्होंने कांग्रेस के लिए भी मोर्चा खोल दिया था। जब ये आईएएस की तैयारी कर रहे थे उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, आपको याद होगा 2011-12 में, उसमें उसका हिस्सा थे ये। यूपीए सरकार के खिलाफ फुल ऑन कि सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर करो, पूरा मूवमेंट करते थे ये। तो जो भी, सरकारों से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप देश को सबसे ऊपर रखिए, ठीक है। एक चीज और बोलते हैं कन्नन गोपीनाथन कि यहाँ पे नाम, अब जैसे क्या है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर बोल रहा है, अगर देश से सवाल पूछ रहा है तो उसको बोल देते हैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान चले जाओ, मुस्लिमों को तो सीधा आतंकवादी घोषित कर देते हैं। अगर उधर से कोई बोल रहा है तो भक्त, मोदी भक्त या भक्त बोल रहा है, तो ये नाम देना बंद करें सबसे पहले। तो सबसे हमारी मैच्योरिटी ये होगी कि नाम देना बंद करें, हमको देश को अच्छा बनाना है और हम सब भारत में रहते हैं, तो नाम को हटाओ और जो मुद्दे हैं वो सामने लेके आओ, ठीक है ना। बहुत वक्त तक ये पाकिस्तान पाकिस्तान जो शाम को आप देखते हैं ना, पाकिस्तान की डिबेट दोस्तों, वो देश को छोड़ दो भैया, वो वैसे ही बर्बाद हो गया है। कहाँ हमको अपने आप, हमारा कहाँ मुकाबला दोस्तों, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमको चाइना से कम्पीट करना चाहिए, हमको अमेरिका से कम्पीट करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज है। अब इनको हाल ही में, पिछले हफ्ते इनको होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक चार्जशीट आई, उसमें इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने फाइल टाइम पे नहीं दी, आपने केबल प्रोजेक्ट, बिजली का प्रोजेक्ट था, खंबे सही से नहीं लगाए, अंडरग्राउंड केबल सही से नहीं लगाई, उसके बाद आपने अपनी जो रिपोर्ट है, अच्छा हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, केरल में जब बाढ़ आई थी तो कन्नन गोपीनाथन को अंदर ही अंदर ये बात बहुत कचोट रही थी कि लोग मर रहे हैं, किसी को उन्होंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, चले गए वो केरल में मदद करने, वहां के लोगों को, जब ये केरल जो फ्लड रिलीफ में गए थे काम करने, लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को ये तक नहीं पता था कि ही इज एन आईएएस ऑफिसर, बट स्टिल वो मदद करते जा रहे थे, और जब उनकी फोटो वायरल हुई तब पता चला रहे तो आईएएस ऑफिसर है, किसी को उन्होंने नहीं बताया। तो ये बताता है कि कन्नन गोपीनाथन जो है वो देश के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, सच्चे देशभक्त है वो। तो वहां पे आप बिना बताए केरल में कैसे चले गए रिलीफ वर्क में, इसके ऊपर भी बताइए नोटिस आ गया है। उसके बाद पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नहीं अप्लाई किया, फिर आपने फाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर, ये पांच आरोप लगाए गए हैं, और इसमें ये भी बोला गया है कि आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं यूज कर सकते। तो फिर कन्नन गोपीनाथन ने बहुत ही बेहतरीन ट्वीट किया, मैं चाहूंगा कि आप वो देखे जाके जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, यहां मैं नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है, बहुत ही मैच्योरिटी से उन्होंने हैंडल किया है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पे इनका इस्तीफा, तो अच्छा जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो ये मतलब जब इन्होंने इस्तीफा सरकार को दिया तो सरकार ने इस्तीफा वापस लेने की बहुत कोशिश की और इनको वापस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन कन्नन गोपीनाथन ने बोला कि आज से बहुत टाइम बाद जब मेरा बेटा मुझसे पूछेगा, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, कि जब कश्मीर में सब लोग ऐसे बंद पड़े थे तो आप क्या कर रहे थे, तो कम से कम मेरे पास कहने के लिए होगा कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने कुछ किया। अब यहां पे दोस्तों वही चीज है,
कन्नन गोपीनाथन अमीर नहीं है, उनका उनके पास अपना घर भी नहीं है, वो सरकारी घर में रहते हैं। हाँ उनकी बीवी जो है, उनकी वाइफ जो है वो जरूर जॉब करती है, लेकिन इनके पास कोई बहुत पैसा नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, क्योंकि आप यूपीएससी, यूपीएससी से बड़ा कुछ है ही नहीं, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो ये चीज है, तो ये चार्जेस लगाए, जब मैंने देखे तो मैंने सोचा कि मैं इनकी बायोग्राफी जरूर लेके आऊंगा, और ये पूरा इनके काम का एनालिसिस था। और जो कन्नन गोपीनाथन ने बोला है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत सारे इनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्पीचेस अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगेन मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखिएगा, बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं, शांति से हर चीज पे डिस्कशन होना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।